हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू गाइस आर वाचिंग तोशी का चैनल। सो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टेल यू हाउ टू मेक आलू का पराठा। नो, नॉट आलू का पराठा। आलू का पराठा हम गोल गोल कैसे बनाते हैं, साइड से बिना क्रैक हुए, बिना बीच से फटे हुए पराठे कैसे बनाएं, अच्छे पराठे गोल गोल कैसे बनाएं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। If you are interested to see how to make aloo ka paratha gol gol without any fail, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सो मैं यहाँ पे आपको तीन टिप्स दूंगी। पहली टिप ये है कि जब भी आप स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं उसका जो डो होगा उसको आप टाइट लगाओगे, जैसे कि हम रोटी के लिए सॉफ्ट डो तैयार करते हैं पराठे के टाइट थोड़ा टाइट डो तैयार करेंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग हम करते हैं पराठे की उसको जब हम बेलें तो वो फटे ना। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप पराठे बेलने के लिए एक लोई लेते हो, एक पेड़ा लेते हो, उसको हम दो इक्वल छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटी साइज में, इक्वल साइज में, और उनको पूरी के शेप में और साइज में बेल लेंगे। ध्यान रखें पूरी की साइज में ही बेलें छोटे छोटे। उसके बाद जैसे हम सैंडविच के लिए एक ब्रेड रखते हैं, फिर हम उसमें स्टफिंग जो भी हमारी होती है उसको हम करते हैं, उसके बाद हम दूसरी ब्रेड रखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक लेयर रखें, फिर हम आलू को अच्छे से जो हमारी जो भी स्टफिंग होगी उसको हम स्प्रेड करेंगे, उसके बाद हम दूसरे लेयर से इसको कवर अप करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो इसके आउटर साइड्स है वो अच्छे से एक दूसरे से चिपके हों, तो हम अच्छे से उसको प्रेस कर देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। थर्ड टिप इज जब भी हम इसे बेलेंगे हम बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले, हमारे पराठे कॉर्नर से क्रैक ना हो और हमारा जो साइज हो पराठे का वो प्रॉपर राउंड इन शेप हो। सो ये मेरी तीन इंपॉर्टेंट टिप्स रहीं, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करें तो आपके पराठे इसी तरीके से राउंड इन शेप रहेंगे एंड फटेंगे नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो, इस तरीके को आप भी अपनाएं। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका बिल्कुल इसी तरीके से गोल गोल बिना फटे हुए पराठे बनेंगे और खाने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। सो मैं यही ख़त्म करती हूँ एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, शेयर एंड सपोर्ट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो या प्लीज़ डू दैट एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपका